थाना ताजगंज क्षेत्र के अंतर्गत सेंट जोसेफ वर्ल्ड स्कूल में हुई लूट की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही थाना इलाका पुलिस और पुलिस उपायुक्त नगर मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम में वैधानिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा में लूट की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी के चलते बीती रात थाना ताजगंज क्षेत्र के अंतर्गत सेंट जोसेफ वर्ल्ड स्कूल में चोरों ने दीवार फांद कर सेन लगा दी और लाखों रुपए का माल लूटकर मौके से फरार हो गए। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही इलाका थाना पुलिस और पुलिस उपायुक्त नगर मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर विधिक कार्यवाही में जुटे हुए हैं। पीड़िता ने बताया कि विद्यालय में चार लोग हथियार लेकर घुसे थे और उन्हें बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही लुटेरे स्कूल की वैन में सामान रखकर मौके से फरार हो गए। क्या नाम है तुम्हारा? रजनी। क्या हुआ था? रात को मैं सो रही थी अपनी बेटी के साथ। अच्छा। तो ये मैं जब सो रही थी तो ये चार लोग थे, तीन लोग मैंने बैठे हुए देखे थे। अच्छा। और एक साथ एक दो बाहर थे। अच्छा। हाँ, अब मुझे ठीक थे क्योंकि मेरे को बांध दिया था तो मुझे इतना पता नहीं है। बांध दिया था आपको? हाँ। फिर मतलब चारपाई से बांध दिया था और जब मैं बोल रही थी तो कहते अगर तुम ज़्यादा मत बोलो, तो फिर मैं मतलब और बोल रही थी तो फिर मतलब चिल्लाने की, तो लेकिन उन्होंने फिर कुछ करने नहीं दिया कि फिर बेट मतलब ये कह रही थी कि बेटी के लिए। तो फिर मैंने कि मेरी बेटी को कुछ मत करना, फिर बस यही। हथियार थे इनके पास? हाँ, हथियार थे, गन वगैरह थी। अच्छा। और पता नहीं और भी थी, सबके पास थे। अच्छा। हाँ, एक जना मेरे पास ही बैठा था। अच्छा। हाँ, खटिया से बांध दिया था? हाँ। खाई से बांधा था? कपड़ों से, चुन्नी से, दुपट्टे जो मिले वो। अच्छा। हाँ। पुलिस उपायुक्त नगर सूरज राय ने बताया कि यह घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और पूरे घटनाक्रम में साक्ष्य संकलन करते हुए पुलिस ने स्कूल से ले जाई गई वैन भी बरामद कर ली है और पुलिस लुटेरों की पकड़ के लिए लगातार दबिश दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही चारों लुटेरों को गिरफ्तार कर पूरी घटना का अनावरण किया जाएगा। चार बदमाशों की तहरीर और इनके उन्होंने बातचीत में बताया कि चार लोग थे, तो उसी आधार पर अभियोग पंजीकृत करके वर्कआउट करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अजीत कुमार के साथ मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।